अंकिता इस शो के बाद आप ब्रेक लेना चाहती है और जिस तरीके से एक एपिसोड में हमने देखा आप थप्पड़ मारने जा रहे थे हमें तो ऐसे ही लगा और अंकिता ने कहा हम जैसे भी है रियल है आप रियल में भी ऐसे ही है और क्या आप सच में ब्रेक लेना चाहते हैं अंकिता के साथ क्योंकि अंकिता जैसे बिग बॉस ने भी कहा कि वो क्यों नहीं स्टैंड लेते आपके लिए कभी आपकी मम्मी जी और आपकी सासू माँ वो भी कई दफा बायस बिहेव कर चुकी है तो आप अपने बीवी के लिए कब स्टैंड लेंगे जब uh, ये चीज ये फैसला हमने लिया कि हम यहां शो पे आ रहे हैं uh, मैं बहुत वोकल इंसान हूँ एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ मैं अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत लाउड एंड क्लियर रखता हूँ तो और सेम वैसी ही अंकिता है अपनी निजी जिंदगी में भी और हमेशा वो भी बहुत वोकल है जब दो वोकल लोग सारी भावनाएं अपनी बिना किसी फिल्टर के एक दूसरे के सामने रखते हैं ना तो आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वहां से आर्ग्यूमेंट्स और प्रॉब्लम्स ही वन टू वन टू वन टू वन निकलती जाती है हम दोनों उसी चीज का पार्ट यहाँ टोटली बने हैं चीजें हम सौ दिन से एक दूसरे के साथ बिना किसी ब्रेक के 24 घंटे दूसरे के साथ हैं हम सब निजी ज़िंदगी में थोड़ा समय हमको मिलता है हम बाहर निकलते हैं मूड फ्रेश हो जाता है मोबाइल देख लेते हैं टीवी देख लेते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है चारों तरफ से किओ से उसके अलावा एक चीज़ का प्रेशर मैं नहीं कहूंगा एक चीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइम रखनी पड़ती है यहाँ पे आप रिश्तों को प्रायोरिटी आप शायद बाहर दे सकते हैं लेकिन यहाँ पे आप जुअल भले हम दो हस्बैंड वाइफ है लेकिन हम इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स हैं तो बीच बीच में जो हमें ये सब चीजें बोली जाती है ना तो उस टाइम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से निकलते हैं और जितना प्रेशर यहाँ पे रहता है तो चीजें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में चली जाती है इवेंचुअली आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे पार्ट हम सबके हो सकते हैं बट कौन सा पार्ट हमें प्राइम रखना है किसमें कंट्रोल रखना है वही जिंदगी का एक पार्ट है जो यहां के थोड़ा सा हेवायर हुआ जिसको हमने अपनी आ, यू नो वो मान के कि हां भाई हमसे वो गलतियां हुई हैं वो हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं बट इज जस्ट दैट कि दोनों की इंडिविजुअलिटी की एक जर्नी थी और मैं इसको प्रॉमिस करके आया था और ये मुझे प्रोमिस करके आई थी जैसे आपने देखा होगा कितने बड़े झगड़े हुए मैंने कभी अंकिता के किसी झगड़े के बीच में बोला नहीं मैं चाहता तो हर जगह अपना स्टैंड ले सकता हूं कि मेरा स्टैंड इतना वाइड है कि मैं हर जगह वैसे भी ले लेता हूं लेकिन मैं इसलिए इनकी जर्नी में नहीं करना चाहता था जिससे इनकी इंडिविजुअलिटी हमेशा दिखे मेरी मेरी दिखे लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ हो गया होगा उसके कारण जो भी चीजें हुई हैं वो आप सबके सामने हैं बट बर... इन दी एंड मैंने उस दिन भी मम्मी पापा या इनको हम दोनों ने चर्चा में यही बोला कि यू you नो know, आज हम शायद ऐसे दिख रहे हैं तभी इतने सवाल सबके हैं जिस दिन हम अच्छे से रहते हैं तब उस दिन किसी के कोई सवाल नहीं रहते तो शायद इस घर से निकलते हम अपनी वापस उस जिंदगी में चले जाएंगे जहां हमारे बीच में कोई डिफरेंसेज नहीं है हमारी लाइफ बहुत अच्छी है हम दोनों बहुत ऐसा लगता है कि हम ट्वेंटी आवर्स एक साथ रहते हैं आप एक घंटा एक, एक एपिसोड देखते हैं ट्रस्ट मी हमारे झगड़े होते हैं डेफिनेटली होते हैं लेकिन उन झगड़ों के बाद बहुत प्यार भी है कहीं ना कहीं ना you know? जहाँ पर हम टैचअप कर लेते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे को मना भी लेते हैं तो शायद वो आपको लाइफ में देखना पड़ेगा लेकिन येस yes, ऑफकोर्स बाकी उसके अलावा इस घर में आके डेफिनेटली हमारे बहुत झगड़े हुए हैं सच में क्योंकि इतने लोगों के साथ रहने की आदत नहीं थी मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद यू नो एकदम से नए लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और विकी एकदम से आकर तुरंत सबके साथ हाहा हू करने लगा था तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे अपनी जगह बनाऊं और उस चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी फाइट्स पहले हुई फिर उसके बाद यू नो पॉइंट ऑफ व्यू की जहां बात आती थी क्योंकि विकी ऑफ कोर्स जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो बहुत Uh, हावी हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि प्रूफ, प्रूफ करने के लिए बोला कि वो प्रायोरिटी आपको रखना ही नहीं चाहते हैं इंडिविजुअलिटी आपको इंडिविजुअलिटी आपको उनकी शब्द उनके स्टेटमेंट निकलने जरूरी है ये 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 हमने हमने पहले पहले हम एक्चुअली नहीं आया कि आप मत बोलिए यस भी डिसाइड किया था, था क्योंकि तो अपना अपना गेम खेलेंगे और अपने अपने, अपने इंडिविजुअली जैसे आपको ठीक लगता है वो करेंगे लेकिन यस कहीं कहीं अगर मैं अपना इनपुट दे भी रही हूँ तो विक्की का एक हमेशा से एक ऐसा होता है कि मैं अपना पॉइंट प्रूव करके रहूंगा वो मुझे तो मुझे उस वजह से कहीं ना कहीं और लाउड होना पड़ा क्योंकि विक्की तक आवाज पहुंचाने के लिए मुझे और ऊपर आकर बात करनी पड़ी तो उस वजह से कई लोगों को ऐसा लगा वो क्लैश होने लगा और डेफिनेटली इस इंडिविजुअल जुअलिटी के चक्कर में हमारी बहुत फाइट्स हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा हुई है क्योंकि हम दोनों लोग ऐसे हैं जो अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांगली रखते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सनैलिटीज भी हम दोनों बहुत क्लैश करते हैं uh, तो उस वजह से मैं हंड्रेड परसेंट श्योर यू नो कहीं ना कहीं

आपने यू नो आपने विकी कहा कि घर वाले सब देख रहे हैं हमें संभल सारी चीजें करनी चाहिए तो आप आपको नहीं लगता गलत इन्फ्लुएंस हो गया मैम इट्स आपको पता शायद हम सब ना सेल्फ अवेयर लोग हैं हमें जिंदगी में सबको सब पता है कि सब सही क्या करना है बट फिर भी हमसे गलतियां होती हैं ना बस वो ही है क्योंकि वो सरकमस्टेंशियल होती है हर समय हर जगह नहीं होंगी लेकिन कभी कभी होंगी बट इज जस्ट दैट आज उस गलतियों का पार्ट पूरा नेशन है तो शायद वो एक सवाल बन बनकर yes. खड़ा हो रहा है वरना गलतियां होती रहती है और आप उसी से मूव ऑन करके जो आगे निकलते हो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ जर्नी है तो इसमें कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज नहीं हुई जो स्क्रिप्टेड थी ड्राफ्टेड थी जो हमारी पर्सनैलिटी का ले ले पार्ट नहीं थी वी ओन अप एवरी बट हमको इन दी एंड ये पता है कि हम दोनों इतने ज्यादा मजबूत है एक दूसरे के साथ कि हम दोनों एक दूसरे को उस तरह का लीवे और स्पेस दे सकते हैं कि आप ऐसा भी अगर बिहेव करोगे तो हम कहीं नहीं जाने हेलो मेरा नाम है शिल्पा नालमवार और मेरा सवाल मैं मायापुरी मैगजीन से हूँ और मेरा सवाल विक्की आपके लिए है आ, क्या आपके लिए ये शो आपका जो रिश्ता है अंकिता उनसे बढ़कर है क्योंकि ऐसे आपकी कुछ चीज़ों से लगता है क्योंकि वीकेंड का वार पर जब भी भी आपको समझाया जाता है कि आपको अंकिता से इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए इन चीज़ों में आपकी गलती है तो उसके बाद जब आपको समझाया जाता है उसके बाद आप जब डिस्कशन करते हैं अंकिता से तब आप उनको समझाते हैं अंकिता को कि ये गलती है तेरी वजह से हुआ है तो फिर और कहीं ना कहीं वही सॉरी बोलती रहती है हमेशा हर आर्ग्यूमेंट में वही सॉरी बोलती है कहीं ना कहीं ये डोमिनेटिंग नेचर भी आपका कहीं टूवर्ड्स अंकिता ऐसा दिखता है मैम सिंपल है देखिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम दोनों इस घर की जर्नी में आए ठीक है आज अंकिता इतने प्राउडली अपने एक रिश्ते जो मुनवर और उनका रिश्ता है उसके बारे में वो बात कर सकती हैं वो बात करती हैं दोस्ती बना सकती हैं कभी उनका डिफरेंस आया तो वो बात नहीं करेंगी उन उनको हमेशा वो स्पेस और फ्रीडम कहिए या जो भी कहिए मेरी तरफ से हमेशा रही हो कि मैं भी एक हस्बैंड हूं मैं भी पॉजिटिव हूं मैं भी नेशनल टेलीविजन में हूं मुझे भी कुछ बुरा लग सकता है बट मैंने हमेशा उनकी जब मैं कहता हूं मैंने उनकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किया है ना तो रिस्पेक्ट के साथ एक फ्रीडम आती है आपको अपने हिसाब से बिहेव और फैसले लेने देने का बट जब भी ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने अगर कोई चीज करनी या कहनी चाहिए तो उसमें हमेशा उनके तरफ से जब कोई एक बात आई है ना तो मैं उनको यह समझाता हूं कि जब मैं आपको पूरी तरह से एक फ्रीडम यूनिट रहने देता हूं तो आप भी थोड़ा सा रहने दीजिए क्योंकि जब आप क्वेश्चन करती है ना तो उससे मेरी चीज में वो स्टैंप लग जाता है कि शायद मैं कुछ गलत चीज कर रहा हूं अगर आप क्वेश्चन नहीं उठाते जैसे कितनी चीज हो सकती है जो मुझे कभी लग सकती है लेकिन अगर मैं उसको एक क्वेश्चन की तरफ पूछू ना तब लोगों का ध्यान जाता है कि ओ विक्की को ये फील हो रहा है तभी विक्की कह रहा है बट कुछ चीजें हम यहाँ पे अपने अंदर रख के उसको होने देते हैं बिकॉज इससे आप अपने अनुभव लीजिए आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करिएगा नहीं लगता तो मत करिए ये एक स्पेस होती है जो मुझे ऐसा लगता है मैंने अंकिता को हमेशा वहां पर दी है बट अंकिता कई बार इतनी वोकल है अपने थॉट्स को लेकर कि उसने कभी कोई भी मेरी चीज में जब कुछ बोला है तो वो एक स्टेटमेंट की तरह जब मेरे सामने खड़ा होता है और फिर

वो बोलती है बेबी खाना खा लो मैं बोलता हूँ नहीं खाना वो बोलती क्यों नहीं खाना मैं बोलता हूँ नहीं मन है वो बोलती मुंह क्यों बनाया मैं बोलता हूँ मेरा मन it's आपने अभी कहा कि ताली दो हाथ से ही बजती है तो आपको भी मानना चाहिए कहीं ना कहीं आपकी गलती हमेशा हाँ। है, मैंने इसलिए उस दिन वहाँ बाथरूम में खड़े होकर उसको बोला कि शायद मेरी अप्रोच पोलाइट होनी चाहिए थी समटाइम्स यू नो शब्द कैसे भी मजबूत बुरे गंदे लग सकते हैं लेकिन अगर पोलाइटनेस रहती है ना तो आप अपनी बात कर सकते हो कहीं ना कहीं जो हम दोनों से मिस्टेक हुई है जो मुझे ऐसा लगता है हमारी पोलाइटनेस नहीं थी उसके कारण चीजें और अग्रीवेट होती गई बट कहीं पे भी दिल में ऐसा कुछ नहीं है बस सच में बोल रहा हूँ बाहर से देखना एक एपिसोड को और यहाँ चौबीस घंटे रहने में जमीन आसमान का फर्क है हम इतने ज्यादा प्रेशर और अपार्ट फ्रॉम प्रेशर खाना बहुत चीजें ऐसी होती है जो कुछ रहता नहीं है कई तो से बड़ा है, और शायद इस रिश्ते में इतना विश्वास है तभी हम इतने फ्री एक दूसरे के साथ हो जाते हैं क्योंकि हमको पता है कि इवेंचुअली हम कहीं नहीं जाने वाले अगर ये कोई फॉर्मेलिटी लगे है, वो लगे तो फिर हम होने नहीं देंगे ना हम फिर नकली बन के रहते रहेंगे लास्टली okay, एक सवाल अभिषेक से हाय मेरा नाम ऋचा है और मैं सर एस्पीक से हूँ so आपने बोला अंकिता कि वो विक्की भैया विक्की भैया बोलती हैं बट वो भी आपके लाख मना करने के बाद मन्ना 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 करते हैं तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी इसके बाद एड ऑन करूंगी विक्की आपसे आपने बोला कि आपका बहुत अटैचमेंट है आप अफेक्शन फील करते हैं अंकिता से बट जब आपकी मॉम आई थी और मेडिटेशन रूम में जो भी उन्होंने अंकिता को बोला अंकिता ने करण से क्लियरली बोला इशारे में कि आप प्लीज़ वो बात मत छेड़िए बट आपने फोर्स किया देन शी टोल्ड यू कि जो भी हुआ था मैंने पूछा कि मुझे हाँ था, था हम सब भी औरत है हमारी भी शादीशुदा लाइफ है बट जो तरीके से आपने एज ए हजबैंड रिएक्शन दिया अगर ये ओरिजिनल भी आप लाइफ में करते हैं तो विच इज़ वेरी बैड क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने आपकी मॉम से आपके फादर ने किस तरह बात की उनके

बट आपको वो नहीं दिखा कि अंकिता कितनी डीपली हर्ट थी इस चीज़ से उसके बावजूद भी आपकी मद आपकी मदर का इन्होंने कहीं जा कर के भी कोई मजाक नहीं बनाया कुछ नहीं बोला नेशनल टीवी पे भी, भी चुप करा दिया होस्ट को तो आपको नहीं लगता कि आप वहाँ पर गलत है और ये कैसा प्यार है ये कैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है कि आपने उनकी मदर के लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखाई और अपनी मदर को आपने हर जगह सही खड़ा कर दिया और क्या ये आगे भी चलता रहेगा आप हमेशा शो करेंगे जब भी कुछ गलती होगी आपकी मदर से या फैमिली से कि मेरी फैमिली ने वो किया था बट तुमने उस तरीके से रिएक्शन क्यों नहीं दिया आज भी कल सलमान सर ने मैम सेम चीज हम लोग से पूछी थी वीकेंड के बारे में तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई उस चीज में किया था कि मैम देखिए मैं बहुत ज्यादा ना आ,